हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में बीएससी एस सेकेंड ईयर बॉटनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे जो एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये अक्सर क्वेश्चन आता है कैरोलस लीनियस वाज अ ग्रेट स्वीडिश बॉटनिस कैरोलस लीनियस स्वीडिश के एक बहुत ग्रेट मीन्स बहुत महान बॉटनिस्ट थे एंड कॉल्ड फादर ऑफ टेक्जोनॉमी जिनको हम फादर ऑफ टेक्जोनॉमी के नाम से जानते हैं लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज एन आर्टिफिशियल सिस्टम जो लीनियस थे इन्होंने ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया मीन्स उन्होंने प्लांट को इस तरीके से क्लासीफाई किया जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें हम प्लांट को सिर्फ लिमिटेड करेक्टर्स में क्लासीफाई करते हैं मीन्स ऐसा सिस्टम इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दि लिमिटेड नंबर ऑफ करेक्टर्स आर टेकन इंटू दी कंसिडरेशन मीन्स अगर हम प्लांट को देख रहे हैं तो हम सिर्फ थोड़ा सा करैक्टर देखकर उनको क्लासीफाई किए तो लीनियस ने ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चूज़ किया जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम मीन्स लिमिटेड नंबर ऑफ करेक्टर्स आर टेकिन इंटू द कंसिडरेशन दैट इज लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है कि इनमें जो करेक्टर लिया गया है वो स्टेमिन और कार्पल के बेसिस पर लिया गया है इसलिए इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ही क्लासीफाइड द प्लांट्स इन टू ट्वेंटी फोर क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर साइज एंड यूनियन ऑफ स्टेमिन ही क्लासीफाइड मीन्स कैरोलस लीनियस ने प्लांट को ट्वेंटी फोर क्लासेस में डिवाइड किया मीन्स कैरोलस लीनियस ने प्लान्ट ट्वेंटी फोर क्लास में इनको क्लासीफाइड किया ऑन दी बेसिस ऑफ मीन्स किस आधार पर किस बेस पर ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर साइज एंड यूनियन ऑफ स्टेमिन मीन्स उन्होंने स्टेमिन का करेक्टर देखा कि स्टेमिन का नंबर कितना है उनमें उनका साइज कैसा है और उनका यूनियन कैसा है स्टेमिन का इसी बेसिस पर उन्होंने प्लांट को ट्वेंटी फोर क्लासेस में डिवाइड किया ट्वेंटी फोर क्लासेस ऑफ लीनियस आर एस फॉलोज अब हम लीनियस का मीन्स कैरोलस लीनियस का अब हम इनके ट्वेंटी फोर क्लासेज के बारे में स्टडी करेंगे फर्स्ट क्लास डैट इज मोनेंट्रिया जिसमें स्टेमिन की संख्या सिर्फ एक हो मीन्स ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमिन वन प्रेजेंट हो उस प्लांट को हम बोलेंगे मोनेंट्रिया सेकेंड इज डैट इज डाइंट्रिया जिसमें स्टेमिन की संख्या टू हो मीन्स ऐसा फ्लावर ऐसे फ्लावर के प्लांट जिसमें स्टेमिन सिर्फ टू प्रेजेंट हो उनको हम बोलेंगे डायंट्रिया थर्ड क्लास डैट इज ट्राई एंट्रिया जिसमें स्टेमिन की संख्या थ्री हो मीन्स ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमिन सिर्फ थ्री प्रजेंट हो ऐसे फ्लावर के प्लांट को हम बोलेंगे ट्राई एंट्रिया फोर्थ इज डैट इज टेट्रा एंड्रिया जिसमें स्टेमिन की संख्या सिर्फ फोर हो मीन्स ऐसे फ्लावर ऐसे फ्लावर के प्लांट जिसमें स्टेमिन की संख्या सिर्फ फोर हो उसको हम बोलेंगे टेटरा एंट्रिया फिफ्थ इज डैट इज पेंटा जिसमें स्टेमिन की संख्या सिर्फ फाइव हो मीन्स उसमें स्टेमिन सिर्फ फाइव प्रेजेंट हो ऐसे फ्लावर के प्लांट को हम बोलेंगे पेंटा एंड्रिया सिक्सथ इज दैट इज हेक्गजेंड्रिया जिसमें स्टेमिन की संख्या सिक्स हो मीन्स ऐसे फ्लावर के प्लांट जिसमें स्टेमिन सिक्स प्रेजेंट हो उनको हम बोलेंगे हेजेंड्रिया सेवंथ क्लास दैट इज हेप्ट्रिया मीन्स ऐसा फ्लावर ऐसे फ्लावर के प्लांट जिसमें स्टेमिन की संख्या स्टेमिन का नंबर सिर्फ सेवन हो ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे हेप्टाट्रिया एट्थ क्लासेस इज इज ऑक्टेंड्रिया ऐसे फ्लावर जिसमें स्टेमिन की संख्या सिर्फ एट हो ऐसे फ्लावर के प्लांट को हम बोलेंगे ऑक्टेंड्रिया एंड्रिया नाइन्थ इज डैट इज इन जिसमें स्टेमिन की संख्या नाइन्थ हो मीन्स ऐसे फ्लावर जिसमें स्टेमिन सिर्फ नाइन्थ प्रेजेंट हो ऐसे फ्लावर को के प्लांट को हम बोलेंगे इन एंड्रिया टेंथ इज डेट इज डेकेंड्रिया जिसमें स्टेमिन की संख्या सिर्फ टेन हो उसको हम बोलेंगे डेकेंड्रिया इलेवंथ क्लासेस इज डेट इज डो मीन्स जिसमें स्टेमिन की संख्या 11 से 19 तक हो मीन्स स्टेमिन इज प्रजेंट 11 टू 19 डेट प्लांट इज नोन एज डोड ट्वेल्थ क्लास डेट इज आइकोसेंड्रिया मीन्स स्टेमिन 20 और मोर अटैच टू दैलिक्स मीन्स जिसमें स्टेमिन की संख्या 20 या फिर 20 से ज़्यादा हो और जो कैलिक्स से अटैच हो उनको हम बोलेंगे आइकोसेंट्रिया थर्टीन क्लास डेट इज पॉली इस्टेमिन ट्वेंटी और मोर अटैच टू दी रिसेप्टल मीन्स ऐसा फ्लावर ऐसे फ्लावर के प्लांट जिसमें स्टेमिन की संख्या मीन्स स्टेमिन ट्वेंटी हो या फिर उससे ज़्यादा प्रजेंट हों उस फ्लावर में और वो अटैच हूँ रिसेप्टिकल से मीन्स फ्लावर के बेस से ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे पॉली एंट्रिया फोर्टीन क्लास डैट इज डाई डाइनेमिया मीन्स जिसमें स्टेमिन टू लॉन्ग में, में हों और टू शॉर्ट में हों ऐसे प्लांट को मीन्स ऐसे फ्लावर के प्लांट को हम बोलेंगे डायडाइनेमिया जैसे कि मैं डायग्राम में दिखा रही हूँ ये दो स्टेमिन है जो दोनों लॉन्ग में है और ये दोनों स्टेमिन छोटे साइज के हैं मीन्स टू लॉन्ग प्लस टू शॉर्ट स्टेमिनो ऐसे फ्लावर के प्लांट को हम बोलेंगे डाई डायनेमिया मीन फिफ्टीन क्लास डैट इज टेट्रा डायनेमिया मीन्स ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमिन फोर लॉन्ग स्टेमिनो प्लस टू शॉर्ट स्टेमिनो मीन्स जैसे कि ये फोर लॉन्ग स्टेमिन है और इसी के साइड साइड में दो स्टेमिन हो उसको हम बोलेंगे डायनेमिया मीन्स ये हैं फोर लॉन्ग स्टेमिन और ये इधर साइड में ये इधर साइड में दोनों शॉर्ट स्टेमिन हो ऐसे फ्लावर में जिसमें इस टाइप का स्टेमिन पाया जाता हो मीन्स स्टेमिन टेट्रा डायनेमस उस प्लांट को हम बोलेंगे टेट्रा डायनेमिया डैट इज फिफ्टींथ क्लास ऑफ कैरोस लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अब हम इसमें सिक्सटीन क्लास ऑफ सिस्टम देखेंगे कैरोलस का सिक्सटीन क्लास ऑफ कैरोस लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन डेट इज मोनाडेल्फिया मोनामी सिंगल डेल्फिया मीनस ग्रुप डैट इज इस्टेमिन मोनाडल्फस मीन्स ऐसे फ्लावर जिसमें स्टेमिन एक ही ग्रुप में पाए जाते हों डेल्फस मीन ग्रुप ऐसे फ्लावर जिसमें स्टेमिन सिर्फ एक ग्रुप में पाए जाते हों उनको हम बोलेंगे मोनाडल्फिया डेट इज स्टेमिन मोनाडल्फस मीन्स स्टेमिन इसमें क्या होगा एक ग्रुप में पाए जाएंगे इसलिए उनको हम बोलेंगे स्टेमिन मोनाडल्फस सेवनटीन क्लास डैट इज डायाडेल्फिया इस्टेमिन डायाडेल्फस डाया मीन्स टू डेल्फसमिस ग्रुप मीन्स ऐसे फ्लावर जिसमें स्टेमिन सपोज करिए स्टेमिन का एक ग्रुप ये है और इस्टेमिन का एक ग्रुप ये है ऐसे फ्लावर जिसमें स्टेमिन टू ग्रुप में, में पाए जाते हों उनको बोलेंगे स्टेमिन डायाडेल्फस डैट इज डायाडेल्फिया एटीनथ क्लास डेट इज पॉलीडेल्फिया इसमें क्या होता है कि स्टेमिन मेनी मैनी डेल्फसमिस ग्रुप मीन्स दो तो से ज्यादा ग्रुप में अगर स्टेमिन अटैच हो फ्लावर से उनको हम बोलेंगे पॉलीडेल्फिया सपोज करिए ये स्टेमिन एक, एक ग्रुप इसका है एक स्टेमिन का ग्रुप इसका है और एक स्टेमिन का ग्रुप इसका है इसमें क्या हो रहा है कि एक दो तीन मतलब कि इसमें स्टेमिन टू से ज़्यादा ग्रुप में अटैच्ड हैं एक फ्लावर में इसलिए उनको हम बोलेंगे पॉलीडेल्फिया डेट मीन्स स्टेमिन पॉलीडेल्फस मीन्स मोनोडल्फिया में स्टेमिन एक ग्रुप में अरेंज थे जिनको हम बोले मोनाडल्फिया डायाडल्फिया में जिसमें स्टेमिन सिर्फ दो ग्रुप में अरेंज थे इसलिए उनको हम बोले डायाडल्फिया एटीनथ डेट इज पॉलीडल्फिया जिसमें क्या हो रहा है कि स्टेमिन टू से ज़्यादा ग्रुप में अरेंजड हैं इसलिए उनको हम बोलेंगे पॉलीडल्फिया नाइनटीन क्लास डैट इज सिंजनिशिया इसका मतलब कि जैसे कि कोई स्टेमिन है स्टेमिन का ये अपर पोर्शन इसको बोलेंगे एंथर और लिथरेट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलामेंट अगर इसमें एंथर फ्यूज हो मीन्स जिसमें बहुत सारे एंथर फ्यूज हो लेकिन फिलामेंट फ्री हो सपोज करिए कि जैसे ये एंथर हैं एंथर सारे फ्यूज हैं एक ही में एंथर सारे फ्यूज हैं लेकिन जो फिलामेंट हैं ये सभी फ्री हैं इसमें एंथर सभी फ्यूज हैं लेकिन फिलामेंट फ्री हैं इस टाइप के हम स्टेमिन को हम बोलेंगे सिंजानिशिया मीन्स डैट इज स्टेमिन सिंजेनिशियस मीन्स एंथर्स आर फ्यूज सभी एंथर्स मीन्स सभी के सभी एंथर इसमें फ्यूज हैं लेकिन जो फिलाेंट का पोर्सन है ये फ्री है इसको हम बोलेंगे सिंजेनिशिया ट्वेंटी क्लास डैट इज जीनेट्रिया स्टेमिन एटनेट टू दी गायनोशियम मीन्स ऐसा स्टेमिन ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमिन ग्रोन हो रहा हो पिस्टिल पर मीन्स स्टेमिन ग्रो हो रहा है पिस्टिल पर ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं जीनेट्रिया मीन्स ऐसे फ्लावर के प्लांट को हम क्या बोलेंगे जीनेट्रिया ट्वेंटी क्लास डैट इज मोनोइशिया प्लांट मोनोइशियस मीन्स ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों के दोनों सेक्सेस मीन्स मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में कैरीड हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे प्लांट्स मोनोइशियस नेक्स्ट क्लास डैट इज डायोइशिया प्लांट्स डायोइशियस मीन्स जो प्लांट होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे मीन्स उसमें दोनों के दोनों सेक्सेस मीन्स मेल और फीमेल सेपरेट होंगे ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे डायोइशिया नेक्स्ट क्लास डैट इज पॉलीगैमिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ बोथ यूनिसेक्सुअल बाई सेक्सुअल फ्लावर्स इन सेम प्लांट मीन्स ऐसा प्लांट जिसमें यूनिसेक्सुअल कैरेक्टर भी हो बाई सेक्सुअल भी हो ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे पॉलीगैमिया दैट मीन्स प्लांट पॉलीगैमस लास्ट क्लास डैट इज़ क्रिप्टोगेमिया ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर कंसील्ड होते हों मीन्स फ्लावर अप्सेंट होते हों ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे क्रिप्टोगिया That मीन्स फ्लावर कंसील्ड और अप्सेंट डैट इज algae. एल्गी में फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता उसमें फ्लावर अप्सेंट होते हैं नेक्स्ट डैट इज फंजाई फंजाई में भी फ्लावर अप्सेंट होते हैं मॉसिस डैट इज ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स में भी फ्लावर अप्सेंट होते हैं फंड डैट इज टाइटोफाइट्स जिसमें भी फ्लावर्स अपसेंट होते हैं फ्लावर कंसील्ड होते हैं यह था हमारा ट्वेंटी फोर्थ क्लास ऑफ कैरोलस लीनियस दी सिस्टम ऑफ लीनियस विच लार्जली डिपेंडेंट ऑन दी नंबर ऑफ स्टेमस एंड कार्बल्स इन दी फ्लावर वॉज वेरी सिम्पल एंड कन्वीनियंट एंड बी केम वेरी पॉपुलर जो लीनियस का क्लासीफिकेशन का सिस्टम था यह डिपेंड था मीन्स बेस्ड था ऑन दी नंबर ऑफ स्टेमस एंड कार्बल्स इन दी फ्लावर इट वॉज वेरी सिंपल जो लीनियस का क्लासीफिकेशन का सिस्टम था ये बहुत सिंपल था मीन्स बहुत ईजी था एंड कन्वीनियंट एंड बी वेरी पॉपुलर यह उस समय जब इनका क्लासीफिकेशन आया उस समय बहुत पॉपुलर था इट रिमेंड डोमिनेंट फॉर ओवर सेवेंटी फाइव ईयर्स इट वॉज़ रिप्लेस्ड बाय दी सिस्टम ऑफ डी जूसियो एंड डी कंट्रोल मीन्स जो लिनियस का क्लासीफिकेशन का सिस्टम था ये सेवेंटी फाइव ईयर्स तक बहुत डोमिनेंट रहा मीन्स तब तक इतना कोई अच्छा क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया ही नहीं, नहीं था कि हम इनको रिप्लेस कर पाएँ लेकिन इसको रिप्लेस किया गया डी जी सी ओ एंड डी कंडोल के द्वारा अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो